हेलो गाइस, दिस इज शोइकोत। और गाइस, शाओमी लाने वाला है अपना नया दो नया एंड्रॉइड वन का स्मार्टफोन। जी हाँ, दो नया एंड्रॉइड वन इंटीग्रेटेड स्मार्टफोन लाने वाला है शाओमी। ये कॉन्फर्म कर दिया है शाओमी ने खुद ही। शाओमी का सीईओ खुद ही कुछ बोले हैं इस बारे में, जो कि है, यस वी प्लान टू हैव मोर एंड्रॉइड वन डिवाइसेस। सम ऑफ आवर यूजर इन इंडिया सीम टू लाइक स्टॉक एंड्रॉइड एंड वी आर विलिंग टू ब्रिंग इन मोर डिवाइसेस विद एंड्रॉइड वन इंक्लूडिंग द रेडमी सीरीज। तो गाइस, ये तो जाहिर है कि दो नया स्मार्टफोन आने वाला है जो जिसमें हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉइड वन का इंटीग्रेशन। साथ ही साथ इसमें से एक स्मार्टफोन होगा रेडमी सीरीज का। जी हाँ, रेडमी सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉइड वन का इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ इसी के बारे में कि कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वही बोलूंगा आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, लास्ट वीक शाओमी ने चाइना में कर दिया है अपना नया स्मार्टफोन को लॉन्च, जो कि है शाओमी का मी 6X। और उस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और डिस्प्ले है LCD डिस्प्ले। और गाइस, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 वाला चिपसेट। यह डिवाइस हमें मिलता है 3 RAM वेरिएंट में, जो कि है 4GB 64GB, 6GB 64GB और 6GB 128GB। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इस डिवाइस में हमें देखने मिलता है 12 MP प्लस 20 MP का रियर कैमरा सेटअप, और फ्रंट में हमें देखने मिलता है 20 MP का फ्रंट कैमरा। और बैटरी कैपेसिटी हमें देखने मिलता है 3019 mAh का बैटरी कैपेसिटी शाओमी की मी 6X इस डिवाइस में। और इस डिवाइस में हमें देखने मिलता है मी UI बेस्ड एंड्रॉइड ओरियो। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन है, सबका ही एक्सपेक्टेशन है कि मी 6X ये डिवाइस आएगा शाओमी मी A2 इस नाम से, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था शाओमी मी 5X आया था इंडिया में मी A1 नाम से। तो हम आशा कर सकते हैं कि यही डिवाइस होगा शाओमी मी A2 नाम से। शाओमी मी 6X आएगा इंडिया में शाओमी मी A2 नाम से, वो भी एंड्रॉइड वन इंटीग्रेशन के साथ। तो गाइस, ये तो गया एक्सपेक्टेशन। अब आते हैं प्रूफ के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाओमी मी A1 का कोड नेम था टीशर्ट स्प्राउट, जहाँ पे जो स्प्राउट है वो सिग्निफाई करता है कि ये है एक एंड्रॉइड वन का स्मार्टफोन। और गाइस, हाल ही एक डिवाइस का नया डिवाइस का कोड नेम आके सामने आया है, जो कि पोस्ट करा है XDA डेवलपर ने, तो थैंक्स टू देम। और जो कोड नेम आया है वो है Jasmine_Sprout। तो ये तो जाहिर ही है कि स्प्राउट, जैसे कि स्प्राउट हमें देखने को मिलता है इस कोड नेम में, तो ये तो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम का ही होगा, एंड्रॉइड वन इंटीग्रेशन ही हमें इस डिवाइस में देखने को मिलेगा, ये तो जाहिर है। लेकिन गाइस, इस डिवाइस का क्या नाम है वो अभी रिवील नहीं हुआ है, सिर्फ कोड नेम रिवील हुआ है। और इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 वाला चिपसेट, ये रिवील हुआ है। तो गाइस, हम तो ये आशा कर सकते हैं कि लॉजिक भी यही बता रहा है कि शाओमी मी 6X ही होगा ये डिवाइस। तो इंडिया में क्या नाम होगा वो अभी कंफर्म नहीं आया है, लेकिन एंड्रॉइड वन का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जाहिर है इस डिवाइस का नाम हो सकता है मी A2 या फिर मी A1 2018 एडिशन। और गाइस, उस कोड नेम में भी ये भी रिवील हुआ कि इस डिवाइस में हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा सोनी का IMX376। तो यही सेंसर हमें देखने को मिला था शाओमी मी 6X फ्रंट कैमरा में। फ्रंट कैमरा का सेंसर यही है, सोनी का IMX376। तो गाइस, ये तो है एकदम कंफर्म कि ये डिवाइस आने वाला है, मी 6X इंडिया में आएगा एंड्रॉइड वन के साथ। और मेरे हिसाब से इस डिवाइस का नाम होगा मी A2 ही होगा इस डिवाइस का नाम। तो गाइस, आप बात करते हैं रेडमी सीरीज के एंड्रॉइड वन स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस, एक और कोडनेम भी रिवील हुआ है, जिसका नाम है Daisy_Sprout। तो स्प्राउट, जैसे कि है स्प्राउट, स्प्राउट तो मीनिंग, स्प्राउट का मीनिंग तो यही है एंड्रॉइड वन प्रोग्राम में ये डिवाइस आएगा। और गाइस, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 625 का चिपसेट। तो अब गाइस, अभी दो चॉइस है कि रेडमी 5 प्लस जो है चाइना में वो आ सकता है, लेकिन इंडिया में तो रेडमी 5 प्लस तो रेडमी नोट 5 के नाम से आ गया है। तो ये कभी मतलब नहीं होता कि रेडमी नोट 5 ही आएगा एक और एंड्रॉइड वन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो गाइस, आप जो नया रेडमी सीरीज का जो नया अपकमिंग स्मार्टफोन है इंडिया में वो है रेडमी का S2। तो गाइस, ये हो सकता है कि रेडमी का S2 इंडिया में आए एंड्रॉइड वन इंटीग्रेशन के साथ। ये काफी हद तक हो सकता है, क्योंकि उस डिवाइस में भी हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 का चिपसेट। लेकिन गाइस, मुझे ये नहीं लगता है कि रेडमी 5 प्लस एंड्रॉइड वन के साथ आएगा, क्योंकि रेडमी 5 प्लस तो रिब्रांडेड हो गया है रेडमी नोट 5 के नाम से। तो मेरा मानना है कि रेडमी S2 ही आएगा इंडिया में एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के साथ। और नाम क्या होगा वो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन रेडमी S2 ही होगा, तो ठीक ही है, रेडमी S2 ही ठीक है। और गाइस, ये रेडमी S2 भी होगा एक बजट स्मार्टफोन, 10,000 के नीचे ही आएगा शायद। और गाइस, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे मेरा रेडमी S2 के बारे में, तो आप देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कार्ड में भी शो हो रहा है। तो दोस्तों, एट द कंक्लूजन, शाओमी लाने वाला है दो नया एंड्रॉइड वन इंटीग्रेट स्मार्टफोन इंडिया में 2018 में, जो कि होगा एक मेरे हिसाब से शाओमी मी A2 और एक हो सकता है शाओमी का रेडमी S2 ये डिवाइस। तो गाइस, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है। मेरे हिसाब से शाओमी का मी A2 और रेडमी S2, आपके हिसाब से कौन सा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है शोइकोत, मिलता हूं आपसे एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।
धन्यवाद।